हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है माइकल चैनल पर। मैं हूं कमलेश। आज के इस वीडियो हम सीखेंगे किसी भी डेट में आप कोई भी डेज ऐड या उसको सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको दो तरीके से समझाऊंगा कि कैसे आप किसी भी डेट में किसी भी डे को कैसे ऐड कर सकते हैं और उसको माइनस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली क्या है कि डेट का फॉर्मेट, जब भी आप कभी अगर एक्सेल में टाइप करें तो उसको जो टाइप करने का जो फॉर्मेट है वो हमेशा आपका, फॉर एग्जांपल अगर आज 19 सितंबर है तो उसको अगर आप टाइप करेंगे एक्सेल में तो उसको टाइप करने के लिए आपको सिंपल सा ये वाला फॉर्मेट यूज करना पड़ेगा। ये क्या है, करेक्ट फॉर्मेट है डेट को इंटर करने का एक्सेल में। कभी कभार क्या होता है कि हम लोग, जैसे सपोज करो, बहुत से लोग क्या करते हैं एक्सेल में अगर टाइप करते हैं डेट तो 19/9/2020, ठीक है। ये जो तरीका है ये बहुत ही रॉन्ग तरीका है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसी में हमें किसी डेज को ऐड करना है तो हम कैसे करेंगे। अब देखिए, मैं फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर इसमें 5 डे ऐड करने हैं, ठीक है, तो मैं ऐड करना चाहूँ तो ये ऐड नहीं हो पाएगा क्योंकि ये करेक्ट फॉर्मेट में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये वाला फंक्शन यूज करता हूँ और मैंने यहाँ यूज किया तो देखिए यहाँ पर आ गया वैल्यू आ गया, ठीक है। तो यहाँ देखिए नीचे आ भी रहा है कि ए वैल्यू यूज्ड इन द फॉर्मूला इज द ऑफ रॉन्ग डेटा टाइप, ठीक है। तो पहले तो क्या है, कभी कभी हम अगर ऐसा करते हैं तो इसके थ्रू भी हम लोग क्या है वहाँ पर डेज को ऐड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये जो तरीका है ये बिल्कुल ही रॉन्ग है। तो डेट का जो सही फॉर्मेट है वो ये है। अब यहाँ पर हमारे पास डेट का एक डेटा है, ठीक है। अब हम इसमें चाहते हैं कि हम जो है कोई भी डेज जो है वो यहाँ ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें इसमें 5 डे ऐड, सॉरी, इसमें अगर हमें ऐड करना है 5 डे ऐड करना है इस डेट में, ठीक है। तो उसके लिए हम सिंपल सा यहाँ पर इक्वल टू का साइन यूज करेंगे प्लस दिस, ठीक है। तो आप ये देखिए यहाँ पर जो था ये 5 डे हमने यहाँ पर ऐड कर लिया, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट रहता है, अगर हमें माइनस करना है तो वो कैसे होगा, उसके लिए सिंपल सा आपको यहाँ पर F2 करके जहाँ प्लस है वहाँ आपको माइनस का साइन यूज करना है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे पहले वाले में हमने क्या है 5 डे ऐड किए तो वो वहां पर रिजल्ट हुआ आया। अभी हमने यहाँ पर 5 डे माइनस किए हैं तो रिजल्ट हमारे सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से आया है, ठीक है। ये तो पहला तरीका था कि आपको अगर किसी डेट में कोई डेज ऐड करना है तो कैसे उसको आप ऐड कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं। अब हमें आपको दूसरे तरीके से समझाऊंगा कि अगर हमें इसको बिना फंक्शन के अगर इसको माइनस करना है प्लस करना है तो वो हम कैसे कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, अब यहाँ पर 5 डे हमें ऐड भी करना है, इसको माइनस भी करना है। तो उसके लिए हम क्या है इसको कॉपी कर लेंगे और जिस डेट को भी आपको माइनस से प्लस करना है उसको आप पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ सिंपल सा राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर, जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा हमारे सामने, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप आएंगे तो यहाँ ऑपरेशन वाले जो सेक्शन में जब आप आएंगे तो देखिए यहाँ पर दो तरह के ऑप्शन है। पहला है ऐड एंड सब्सट्रैक्ट। अभी हम चाह रहे हैं कि इसमें 5 डे ऐड हो जाए इस डेट में, तो उसके लिए हम यहाँ पर ऐड वाला यूज करेंगे और हम चाहते हैं कि अगर वो ऐड हो जाए तो वो वैल्यू में उसको कन्वर्ट कर दे, तो उसके लिए हम यहाँ पर वैल्यूज वाला इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ओके कर देंगे, ठीक है। तो अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर इस वाली डेट में ये 5 डे मैंने ऐड किया तो ये यहाँ पर क्या है प्लस हो गया है, ठीक है। अब इसी के थ्रू हम क्या है, अगर किसी उसको अगर माइनस करना है हमें, ठीक है, इन डेज को, क्योंकि अब तो हमने प्लस किया इसको, इसके थ्रू अगर हमें इसी डेट में से ये वाला डेज को माइनस करना है तो हम कैसे करेंगे। उसके लिए भी सेम वैसे ही हमें बस इसको जस्ट कॉपी करना है
जिन डेट को भी आपको इसमें से सब्सट्रैक्ट करना है उसको आप पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको जस्ट सिंपल से यहाँ राइट क्लिक करना है और पेस्ट स्पेशल आदेश में डायलॉग बॉक्स में आना है। पहले में हमने यहाँ ऐड किया, अभी हमें करना है सब्सट्रैक्ट। ठीक है, तो सब्सट्रैक्ट पर मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर और यहाँ वैल्यूज कर दूंगा। ठीक है, तो अभी देखिए ये 6 सितंबर यहाँ डेट है, 7 सितंबर जो भी है, तो इसमें से हमें 5 डे माइनस करने हैं। तो देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। तो सिंपल से मैं यहाँ ओके करूँगा, तो आप देख रहे होंगे पहले यहाँ 6 सितंबर था, उसमें से 5 डे यहाँ कम हुए तो यहाँ पर आ गया 1 सितंबर। इस तरह जितने भी डेट हमने ली थी तो ये ऑटोमेटिक ही इसमें सब्सट्रैक्ट हो गया। तो ये इस तरह से दो स्टेप मैंने बताया कि आपको, आप इसको पहले स्टेप से भी इसको रिमूव कर सकते हैं, आप बढ़ा भी सकते हैं, और सेकेंड से इसको आप ऐड भी कर सकते हैं और सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।